नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। फ्रेंड्स, क्या आप प्राणायाम करने के योग्य हैं? जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तब तो हमेशा एक चीज मैं बोलता हूं, प्राणायाम करो, गीता का अध्ययन करो, प्राणायाम करो। क्यों बोलता हूं? भगवान वेदव्यास ने क्लियरली बताया है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परिस्थिच नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनकी वजह से हमें सैक्रिफाइसेस, उनकी वजह से हमें सफरिंग्स करनी पड़ती हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। अगर आप अपने पूर्व जन्म के पापों से या पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से गीता का अध्ययन एवं प्राणायाम प्रैक्टिस करिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम बताऊंगा आपको, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि महर्षि पतंजलि प्राणायाम के बारे में क्या कहते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, संपर्क कीजिए और हम आपकी पत्रिका का आपको समाधान प्राप्त कराएंगे। मित्रों, एवं अगर आप योगिक साइंसेज द्वारा या योगिक थेरेपीज के द्वारा अपना उपचार करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको आपका समाधान प्राप्त करा देंगे। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजल जिन्हें योग का पुरोधा माना गया है, काफी सारे योग के पुरोधा हुए जिनमें सबसे सर्वप्रथम हम आदि योगी भगवान शिव को मानते हैं, उसके बाद नाथ संप्रदाय आए, मच्छेंद्रनाथ आए, हमारे आदि गुरु गोरखनाथ आए, बहुत सारे नाथ संप्रदाय के योगी उत्पन्न हुए जिसमें से आज जो योगी आदित्यनाथ जी हैं नाथ संप्रदाय के, जो योग को एवं हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। मित्रों, महर्षि पतंजल ने योग सूत्र में, जो उनके पतंजल योग सूत्राज हैं, उनमें उन्होंने सार दिया है। योग सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब क्या है? अल्प अक्षरम असंदिग्धम सार वत विश्वतोमुखम। जो अल्प अक्षर हो, अल्प अक्षरों में उन्होंने सारे सार, जो बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसका एसेंस, उसका जो निचोड़ है, उसमें योग सूत्राज में उन्होंने डाला है। जो अल्प अक्षर, छोटे छोटे अक्षरों में उन्होंने आपको बड़ी बड़ी चीजें एक्सप्लेन करी। अथ योगानुशासनम, योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधः। बहरा मित्रों, पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना करी। अष्ट अंग, आठ अंग से योग की जो समाधि होती है, समाधि जो हायर कॉन्शियसनेस या जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए सात प्रकार के उन्होंने स्टेप्स बताए हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको आगे बढ़ने का भी उन्होंने कहा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ अंग हो गए। आठ अंग में जो चौथा अंग है वो प्राणायाम, और आज हमारी वीडियो भी प्राणायाम के ऊपर है। बहुत सारे लोग ऐसे ही प्राणायाम स्टार्ट कर देते हैं कुछ जाने पहचाने बिना। प्राणायाम कहीं 24 बताए गए हैं, कहीं 20 बताए गए हैं, कहीं 28 प्राणायाम बताए गए हैं, परंतु हम पतंजलि जी के अनुसार आज प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, प्राणायाम के लिए कहा गया है, जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करते, आसन सिद्धि नहीं करते, तब तक प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। इससे आपको ज्ञान नहीं, भ्रांतियां ही मिलेंगी। आपको जो आपका रियल गोल है समाधि तक पहुंचना, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर आपको जो समाधि है वो प्राप्त होगी। यम नियम का पालन नहीं किया, आसन सिद्धि नहीं करी और प्राणायाम करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। पहले आप यम नियम का पालन कीजिए, फिर आसन की सिद्धि करिए, आसन को सिद्ध करिए। कोई भी आप ध्यानात्मक आसन ले सकते हैं, पद्मासन, सर्वोत्तम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, इन आसनों में बैठ के आप जो है योग का जो प्राणायाम है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो में ही बताया, शुरुआत में ही बताया, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परिस्थिच नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति करनी है तो प्राणायाम करना अनिवार्य है। तो
तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो एंड आशा करता हूँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप तो दे दीजिए, और अगर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ भी मेरे से पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है मेरे महाराज, आप उसको करिए और मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार।